दोस्तों, क्या आपको पता है नोमोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक इंसान को हर समय इस चीज़ का डर लगा रहता है कि कहीं उसका मोबाइल फ़ोन खो न जाए। जी हाँ दोस्तों, और क्या आपको ये भी पता है कि एक औरत को एक मर्द की तुलना में ज़्यादा सपने आते हैं। और एक और अमेजिंग फैक्ट बताऊँ, जब भी आप किसी नए इंसान से मिलते हो तो आपको सिर्फ 90 सेकंड्स लगते हैं ये तय करने में कि आप उसे पसंद करोगे या फिर नहीं। तो दोस्तों, आज मैं ऐसे ही 10 अमेजिंग और गजब के साइकोलॉजिकल फैक्ट्स लेकर के आया हूँ जो शायद आपने कभी ना सुने हो। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोडॉन, सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, क्या आपको पता है जब कोई इंसान शराब के नशे में होता है तब उसे अपने आसपास के लोगों का जो चेहरा होता है ना, वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी खूबसूरत दिखाई देने लगता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नशे के दौरान एक इंसान का दिमाग अपने आसपास के लोगों के चेहरों का जो सिमेट्री यानी कि जो उनकी बनावट होती है उसको ठीक तरह से पहचान नहीं पाता और उसे आसपास के हर व्यक्ति का चेहरा एकदम अट्रैक्टिव या फिर बहुत ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। तो है ना गजब का फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब कोई इंसान ज़्यादा गुस्से में होता है तो उस वक्त गुस्सा करते समय इंसान के ब्रेन का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है जो कि सच बोलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और यही वजह है कि कुछ लोग गुस्से में सच बोल देते हैं और वो सच ऐसा होता है जो हम उनसे उनके नॉर्मल बिहेवियर में कभी नहीं सुन सकते। फैक्ट नंबर 8। जो इंसान आसानी से शर्माने लगता है या जो बहुत शर्मीला होता है, जिसे शर्म बहुत आती है, वो असल में बहुत ही दयालु और नेक इंसान होता है। इस फैक्ट की मदद से आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि कोई नया इंसान जिसे आप हाल फिलहाल में मिले हो वो भरोसेमंद है या नहीं। तो आपको ये फैक्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फैक्ट नंबर 7। जब पूरी तरह से आपके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखता है तो आपको क्या लगता है कि आप ब्लैक कलर देखते हो? तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपके चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, आपके चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है, तो वो ब्लैक कलर नहीं बल्कि डार्क ग्रे कलर होता है जो कि आप देखते हो। अगर ये इफेक्ट आपको पहले नहीं पता था तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फैक्ट नंबर 6। फिक्टिशियस डिसऑर्डर। दोस्तों, ये एक ऐसी अजीब और गजब की बीमारी है जिसमें एक इंसान को बीमार रहना पसंद होता है। मतलब आप सोच सकते हो, किसी इंसान को बीमार रहना भी पसंद हो सकता है और वो बीमार होकर जानबूझकर बीमार होने का नाटक करता है। मतलब वो बीमार होता नहीं है लेकिन बीमार होने का नाटक करता है जानबूझकर, ताकि लोग उसे डॉक्टर के पास अस्पताल ले जाएं और वो अस्पताल में रह सके। मतलब ऐसा बंदा देखा है आपने कभी जिसे अस्पताल में रहना पसंद हो और वो अस्पताल में रहने के लिए बीमारी का झूठ मूठ का नाटक करे? तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट मुझे ज़रूर बताओ कमेंट में। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, हम लोगों में से लगभग हर एक की आंखें या तो काली होती है या थोड़ी ब्राउन होती है। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस धरती पर सिर्फ 2% ही ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें ग्रीन यानी कि हरे कलर की होती है। कितना अजीब है ना, सिर्फ 2% लोग हैं जिनकी आंखें ग्रीन होती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आपको शायद ही पता होगा कि तितलियाँ जो होती है, जो बटरफ्लाइज होती है, उनकी आंखों पर हजारों लेंस मौजूद होते हैं। लेकिन फैक्ट की बात तो ये है कि इतने सारे लेंस होने के बावजूद वो सिर्फ लाल, हरे व पीले रंग को ही देख पाती है, यानी सिर्फ 3 रंगों को ही वो पहचान पाती है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आपने ये तो सुना या कहीं पर पढ़ा होगा कि हमें एक दिन में 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारा जो शरीर है वो 2-2 बार करके 4 घंटे सोने के लिए बना है। यानी आसान भाषा में कहें तो आपको एक बार में 4 घंटे के लिए ही सोना चाहिए, उसके बाद काम करके फिर से 4 घंटे सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है और हम ज़्यादा काम कर पाते हैं। फैक्ट नंबर 2। कई सारी साइकोलॉजी की स्टडीज़ में पाया गया है कि जब भी आप किसी नई चीज़ को सीखते हो या फिर किसी नई चीज़ को अनुभव करते हो तो आपका दिमाग उस समय आपके लिए समय को धीमा कर देता है। इसलिए आपने भी महसूस किया होगा कि आप जब भी कोई मुश्किल काम शुरू करते हो तो यही चीज़ आपको फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि इस काम को मैंने ज़्यादा समय तक किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप चाहे आधे घंटे ही पढ़ो, आपको ऐसा लगता है ना कि यार मैंने तो आज पता नहीं कितने घंटे पढ़ाई कर ली है। तो उस समय आपका ही माइंड आपके लिए समय को धीमा कर देता है और आपको लगता है कि मैंने तो आज सच में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली, मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। तो आप जब भी कोई मुश्किल काम करते हो या कोई नया काम करते हो तो आपका दिमाग आपके साथ ये साइकोलॉजी की ट्रिक को खेलता है। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है इस दुनिया में 10 से 29 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने मोबाइल फ़ोन को अपने साथ लेकर सोते हैं।
और दोस्तों शायद हो सकता है कि आप भी उन 90% लोगों में आते हो और जब भी आप सोने जाते हो तो मोबाइल फ़ोन को साथ में लेकर सोते हो। लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मोबाइल फ़ोन साथ में लेकर या एकदम पास में रखकर कभी भी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन से खतरनाक रेडिएशन निकलती है जो आपके स्वास्थ्य के लिए ख़राब होती है। इसलिए फ़ोन को स्विच ऑफ करके या फिर दूर रखकर सोया करें। दोस्तों अब बारी है बोनस फैक्ट की। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और ये वीडियो आपको पसंद आई है थोड़ी सी भी, और आपकी आंखें अभी भी इस वीडियो को देख रही है, तो इसका मतलब है आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हो। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया ना, तो आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आएगी। तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको स्माइल आई या नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी ही गजब की साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड लव यू ऑल।